दोस्तों आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स की रोमांचक जीत के साथ समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही पूरे सीजन में दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन अवार्ड दिए गए। तो आखिरकार किसे मिला है कौन सा अवार्ड, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई को विजेता ट्रॉफी व 20 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ ही दूसरा अवार्ड गुजरात टाइटन्स को मिला। दोस्तों गुजरात टाइटन्स को विजेता ट्रॉफी और 12.5 करोड़ रुपए नगद मिले। दोस्तों इसी के साथ ही गुजरात के शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिली और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम भी इन्हें दिया गया। वही दोस्तों पर्पल कैप की बात करें तो ये मोहम्मद शमी के खाते में गई। दोस्तों मोहम्मद शमी को 10 लाख रुपए मिले और इसी के साथ ट्रॉफी भी मिली। दोस्तों पूरे सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर गुजरात टाइटन्स के शुभमन गिल रहे, जिन्हें इस अवार्ड के साथ ही 10 लाख रुपए भी मिले। वही इस साल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल रहे, इन्हें 10 लाख रुपए का अवार्ड मिला और इसी के साथ ही ट्रॉफी भी दी गई। वही दोस्तों इस सीजन का फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला। दोस्तों और इस सीजन का बेस्ट कैच ऑफ द सीजन अवार्ड राशिद खान को गया, जिन्होंने कायल मेयर्स का शानदार कैच लपका था, इन्हें ट्रॉफी व 10 लाख रुपए मिले। वही फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहने का अवार्ड डेवन कॉनवे को मिला, इन्हें ट्रॉफी व 1 लाख रुपए मिले। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।